नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपकी सेहत संबंधी बात लेकर के आया हूँ। आप ये देख रहे हैं कि तवा है और यहाँ लेकर के बैठा हुआ हूँ। आखिर क्यों? ये सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं या जवान हैं जिनको कभी किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, वो सभी इन दिनों दर्द से कराह रहे होते हैं। दर्द से, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पीठ का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को एंकल का दर्द है, किसी को कोहनी में दर्द है, मतलब दर्द ही दर्द। और दर्द जो है अक्सर सर्दियों में हद से गुजर जाता है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है। फिर क्या सहारा लेते हैं दोस्तों हम? एक पेन किलर ले लिया, सुबह ले लिया, शाम ले लिया, उससे आराम मिलता है। लेकिन आराम मिलता है, लेकिन पेन किलर क्या करता है? हमारी किडनी को डैमेज कर देता है, साथ ही साथ और भी कई बीमारियां ले करके आता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बता रहा हूँ, ये देखिए जो सारा सेटअप मैंने लगाया है, सिर्फ आपके परेशानी को दूर करने के लिए, ताकि पूरी सर्दी आप बिना किसी दर्द के रह सकें और आपको जो गोलियां खाते हैं और अपनी किडनी को खराब करते हैं वो भी बचाई जा सके। तो आइए जानते हो पत्ता कौन सा और कैसे हमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्ता है, इसका नाम बता दूंगा मैं आपको। ये पत्ता आपको लेना है और इस पत्ते के साथ और क्या लेंगे कि हमारा जो दर्द है वो सारा चूस लेगा। इस पत्ते के साथ लेंगे हम ये हल्दी, हल्दी पाउडर हम सभी के घरों में मिलता है। और उसके साथ लेंगे हम सरसों का तेल, सरसों का, प्योर सरसों का तेल हो। और साथ में आपको एक तवा और उसके गैस के ऊपर रख के गर्म करना है। आप घर में आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं। देखिए जैसे पत्ता मैंने गर्म किया है, एक दूसरा पत्ता और लेता हूं मैं और इसको बताता हूं आपको। ये देखिए, ये ताजा पत्ता हमने लिया और क्या करना है हमें, थोड़ा सा सरसों का तेल दोस्तों इसके ऊपर डालना है। ये देखिए, ये सरसों का तेल हमने डाल दिया और ये हमारा जो है तवा गर्म था, देखिए आ गया। अब इसमें हम ऐसे इस तरह से, ये देखिए पत्ते का कलर देखिए किस तरह से चेंज हो गया है। और इस गरम गरम पत्ते के ऊपर हमने क्या करना है दोस्तों, ये हल्दी जो देखिए आपने, ये हल्दी हमने थोड़ी सी इसके ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए हल्दी इस तरह से लगा लेनी है और जो इफेक्टेड एरिया है आपका, जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है, चाहे वो कुनी है, घुटना है, एंकल है या कमर है, वहां पर के इसको लगा करके, एक ही पत्ता नहीं, एक पत्ता जैसे इसके ऊपर हमने लगाया, ये देखिए पत्ता है, हमने ऐसे चिपका दिया इसके ऊपर, ये ऐसे ऐसे चिपका दिया इसी तरह से लेयर दर लेयर। ये देखिए, ये दूसरा पत्ता लिया हमने और दूसरे पत्ते को ऐसे गर्म कर लिया। इसके अंदर ऐसा गुण है कि इतना करने से आपका जो दर्द है, सुबह होते होते आप कहेंगे कि ये दर्द तो मुझे था ही नहीं दोस्तों। ये देखिए, दूसरे को भी हम इसी तरह से इस तरह लगाएंगे हल्दी, ये देखिए, और इसको पत्ते को इसके ऊपर से ऐसे, मतलब दो तीन पत्तों की लेयर, थोड़ा सा गर्म ही करिएगा ताकि आपका जो दर्द है वो एक ही रात में दोस्तों खत्म हो जाए। तो इस तरह से करके बांध देना है, रात भर रखना है आपने। ऐसा नहीं कि रात को ही कर सकते हैं, ये इसको दिन में भी किया जा सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि रात को करें, दिन में भी अगर आप खाली हैं, रात को मैं इसलिए कह रहा हूँ सजेशन कि बहुत सारे कामकाजी लोग हैं, दिन में नहीं बैठ सकते, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो ज्यादा इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो उनको तो दिन में भी इस तरह से लगा करके और इसके ऊपर गर्म पट्टी बांध लें और 10 से 12 घंटे में आप देखेंगे जो आपका दर्द है, मोच है, मोच आजकल बहुत तंग करता है, स्प्रेन जिसको बोलते हैं, मोच आ गई जी, पैरों से चला नहीं जा रहा है, गर्दन में आ गई, हर जगह इसका काम कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। ये देखा आपने क्या लेना है, एक सरसों का तेल, दूसरी हल्दी, तीसरी आपके घर में ये सारी चीजें मिल जाती है, तवा है, गैस है और ये पत्ता। अब इस पत्ते के ऊपर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो अंग्रेजी नाम है वो बोलते हैं मदार, मदार का पौधा बोलते हैं इसको, मदार बोलते हैं, कई लोग आकी बोलते हैं, ये देसी आकी होता है, आकी या मदार का पौधा, इसका आप पत्ता इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह के पत्ते हैं और ये मैंने जो है लपेटा है, तो ये जो दर्द है वो बिल्कुल आपको 8 से 10 घंटे में सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल मोच या दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये है दर्द, आपके दर्द दूर करने का सर्दियों का सबसे अचूक उपाय, इसका जरूर इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किडनी नहीं खराब होगी, कोई खर्चा नहीं करना है दोस्तों। इसको करके उम्मीद है कि आप करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पूरी सर्दी आपकी अच्छी बीतेगी, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।